आज गाइस देखेंगे एक 1 लाख रुपीस का पीसी बिल्ड। और हाँ, ये जो पीसी बिल्ड है ये ऑल व्हाइट पीसी बिल्ड है, काफी सुंदर लग रहा है गाइस यहाँ पर देखने में, आपको भी काफी पसंद आएगा। हर चीज के बारे में बात करेंगे, वीडियो एंड तक देखते रहना। ये जो पीसी बिल्ड है इसका ऑर्डर आया है हमारे पास कर्नाटका से, और हमारे उत्कर्ष भाई ने जो है ये पीसी बिल्ड हमसे ऑर्डर करा है। काफी अच्छा भी लग रहा है गाइस यहां पर देखने में, बाकी अच्छी चीज के बारे में बात करेंगे। अच्छा, ऐसी कोई भी बढ़िया सा पीसी बिल्ड आपको भी अगर करवाना हो तो आपको स्क्रीन पर आपको जो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर देखने को मिल ही रहे होंगे, आप इनके ऊपर कॉल व्हाट्सएप करके हमारी सेल्स टीम को रीच आउट कर सकते हो, वो आपको बढ़िया तरीके से गाइड कर देंगे आपके बजट आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कौन सा पीसी बिल्ड आपको कराना चाहिए। बाकी गाइस आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां पर भी जा सकते हो, आपको कस्टम पीसी करके ऑप्शन मिलेगा, अपने हिसाब से पार्ट्स को सिलेक्ट करके डायरेक्टली हमारी वेबसाइट से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। सो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आपको आके पीसी बिल्ड कराना है सो गाइस नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली के अंदर आपको हमारा स्टोर देखने को मिल जाएगा, यहां पर आ सकते हो, अपने पीसी बिल्ड करा सकते हो। सो एड्रेस, गूगल लोकेशन, लिंक, सारी डिटेल्स वो भी जो आपको नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब चलिए गाइस शुरुआत करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले यहां पर हमारे प्रोसेसर के बारे में। सो गाइस हम लोगों ने यहां पर इस पीसी बिल्ड में यूज करा इंटेल की तरफ से कोर i5 14500 प्रोसेसर, लेटेस्ट 14 जनरेशन के अंदर आने वाला काफी बढ़िया सीपीयू गाइस यहां पर हो जाता है। आपको कोर एंड थ्रेड काउंट इस सीपीयू के साथ में काफी बढ़िया यहां पर देखने को मिल जाता है, और इस प्रोसेसर की जो प्राइसिंग है उस हिसाब से जो परफॉर्मेंस हमें यहां पर डिलीवर करता है वो काफी बढ़िया रहती है। टोटल तो आपको मिलते हैं 14 कोर्स, जिसमें से आपको मिलते हैं 6 परफॉर्मेंस कोर एंड 8 एफिशिएंसी कोर आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। टोटल 20 थ्रेड्स आपको यहां पर मिल जाते हैं, तो परफॉर्मेंस ओवरऑल काफी बढ़िया यहां पर मिलती है। अगर आपको ओवरक्लॉकिंग वगैरह नहीं करनी है, ट्रू रॉ परफॉर्मेंस आपको अच्छी चाहिए, और हाँ मल्टी थ्रेड परफॉर्मेंस आपको स्पेशली अच्छी चाहिए कि आपको एडिटिंग जैसा कुछ भी काम करना है तो उसमें बहुत ही एक बढ़िया सीपीयू यहाँ पर ये हो जाता है। अब इस प्रोसेसर के साथ जो मदरबोर्ड गाइस हम लोगों ने यहाँ पर यूज करा है वो आ जाता है ASUS की तरफ से, उनका प्राइम B760MA वाईफाई मदरबोर्ड, काफी बढ़िया मदरबोर्ड, अच्छा खासा VRM सेक्शन हमें यहाँ पर मिलता है। प्लस यहाँ पर जो आपको हीट सिंक मिलती है VRM के ऊपर वो थोड़ी सिल्वरिश व्हाइटिश कलर की मिलती है, तो अगर आप जो है व्हाइट थीम पीसी बिल्ड करते हो तो उस हिसाब से ASUS की जो प्राइम सीरीज रहती है वो काफी अच्छी रहती है। और गाइस हम लोगों ने ना यहाँ पर इसके साथ में वैसे तो स्टॉक कूलर मिलता है, बट भाई बोल के भी मत लगाना, बहुत हॉट रन करेगा उसके ऊपर। हम लोगों ने यहाँ पर एक काफी बढ़िया काफी शानदार एयर कूलर का यूज करा है, जो कि आ जाता है डीपकूल की तरफ से, उनका AG620 वाइट ARGB वाला वर्जन, बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है गाइस। और ट्विन टावर एयर कूलर हमारा यहाँ पर रहता है, जैसे कि देख सकते हो काफी मैसिव यहाँ पर रहता है, दो आपको जो है यहाँ पर ट्विन टावर्स मिलते हैं, और मतलब ओवरऑल साइज इसका काफी बढ़िया, और प्लस टेम्परेचर्स भी काफी बढ़िया मेंटेन करते हैं। फुल लोड के ऊपर हम लोगों ने इसको टेस्ट करा था, सो 61 डिग्रीज वॉज द मैक्सिमम टेम्परेचर जो कि हमारे i5 14500 ने यहाँ पर टच करा, जो कि गाइस बहुत ज्यादा बढ़िया है टेम्परेचर है यहाँ पर हमारे AG620 के साथ में। और जैसे कि ARGB है तो ARGB फैंस हमें इसके साथ में मिलते हैं, तो आप इसके जो कलर्स हैं जो इसके साथ में जो फैंस आते हैं ना, जो उसके कलर्स हैं आप उसको पूरी देख सकते हो, कैबिनेट के साथ में सिंक होकर के यहाँ पर चल रहा है इसके केस फैंस के साथ में, तो काफी अच्छा लुक ओवरऑल यहाँ पर निकल करके आता है। अब रैम के बारे में बात करते हैं गाइस, तो टोटल हम लोगों ने यहाँ पर यूज करी है 32 GB की रैम, 16 GB की दो स्टिक्स जो कि 5200 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर क्लॉक्ड है, T4 की डेल्टा RGB, परफेक्ट गाइस, अच्छी क्वालिटी की रैम स्टिक्स हैं, और बहुत ही रेयर हमें यहाँ पर कभी कोई इशू आता है T4 की रैम के साथ में, क्वालिटी वाइज जो है काफी बढ़िया रहती है यहाँ पर। और 32 GB विल बी मोर देन इनफ, चाहे हमें गेमिंग करनी हो, स्ट्रीमिंग करनी हो या फिर एडिटिंग करनी हो। बात करते हैं गाइस ग्राफिक्स कार्ड के बारे में, यही तो है जो कि एक्चुअल में हमें गेमिंग करवाएगा। सो व्हाइट थीम पीसी बिल्ड के हिसाब से अगर व्हाइट थीम के बारे में बात करते हैं गाइस, तो नो डाउट जो कलरफुल की अल्ट्रा वाइट ओसी सीरीज रहती है काफी बढ़िया, हमने यहाँ पर जो है कलरफुल की तरफ से RTX 4060 अल्ट्रा वाइट ओसी वाला वर्जन हम लोगों ने यहाँ पर यूज करा है। डुअल फैन ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पर रहता है हमारा, और जो है देख सकते हो ओवरऑल आपको फुल साइज की यहाँ पर जो है बैक प्लेट मिलती है, काफी अच्छे लुक्स के साथ में यहाँ पर अल्ट्रा की ब्रांडिंग मिल जाती है, GeForce RTX यहाँ लिखा हुआ मिल जाता है, काफी अच्छा लग रहा है गाइस यहाँ पर देखने में, डेफिनेटली परफेक्ट ग्राफिक्स कार्ड है हमारे इस पीसी बिल्ड के हिसाब से। और हाँ, गेमिंग, स्ट्रीमिंग, एडिटिंग तीनों काम अच्छे तरीके से यहाँ पर हो जाएंगे, क्योंकि जो 14500 एंड 4060 का यहाँ पर कॉम्बो है वो एकदम परफेक्ट है इन सब कामों के हिसाब से। बट हाँ, ये है कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ गेमिंग ही करनी है तो वहाँ पर 12400F भी जो है इनफ रहेगा, अगर आपको एडिटिंग जैसा कुछ काम करना है देन ये सीपीयू जो है ज्यादा सेंस यहाँ पर बनाएगा, नहीं तो आप 12400F ले सकते हो, थोड़ा जो बजट बचेगा उसमें 4060 की जगह 4060 Ti भी आ सकता है, तो ये एक छोटा सा चेंज आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब स्टोरेज में गाइस जो SSD हम लोगों ने
यहाँ पर इस करिए आ जाती है क्रूशल की तरफ से, उनकी P3+1TB की Gen4 SSD, इसके अंदर विंडोज चलने के बाद भी अच्छी खासी स्टोरेज गाइज हमें यहाँ पर मिल जाएगी। पावर सप्लाई की तरफ बढ़ते हैं गाइज, तो हम लोगों ने यहाँ पर यूज करी है MSI की तरफ से उनकी MAG A650BN पावर सप्लाई, जो कि 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन के साथ में यहाँ पर आती है। MSI जैसे एक बढ़िया ब्रांड की तरफ से यहाँ पर आती है एंड परफेक्ट रहेगी हमारी पीसी बिल्ड के हिसाब से, 650 वॉट और मोर देन इनफ भी हमारी यहाँ पर रहेगी। एट लास्ट गाइज बढ़ते हैं यहाँ पर हमारी कैबिनेट की तरफ। कैबिनेट गाइज काफी शानदार हम लोगों ने यहाँ पर यूज करी है, जो कि अपने प्राइसिंग के हिसाब से एक्चुअल में काफी बढ़िया है। एंटी स्पोर्ट्स की 205 एयर मेश कैबिनेट, इसमें ना फ्रंट का लुक देखो गाइज, इसका जो फ्रंट का लुक है ना वो इसको थोड़ा सा यहाँ पर यूनिक बनाता है, काफी अच्छी लगती है गाइज यहाँ पर देखने में। इसमें प्री इंस्टॉल्ड हमें 4 ARGB फैंस मिलते हैं, 3 फ्रंट में 1 रियर में एग्जॉस्ट के लिए, और प्राइसिंग इस कैबिनेट की जो है काफी बढ़िया है। ये कैबिनेट हमें नियर अबाउट 4000 में मिल जाती है और इसमें 2 वर्जन हमें मिलते हैं, एक ब्लैक हो गया एक व्हाइट हो गया। सो दिस इज व्हाइट वाला वर्जन, अगर ब्लैक में बिल्ड करना हो तो उसके लिए भी आपके पास जो है ये अवेलेबल आपको मिल जाएगी। और ये था गाइस हमारा पूरा 1 लाख रुपीज़ का पीसी बिल्ड। आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। ऐसी बढ़िया सा पीसी बिल्ड करना हो, सारे कॉन्टैक्ट करने के तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, नीचे आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर। बाकी गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड मिलेंगे ऐसे और नए वीडियो के अंदर एक और नए कमाल के पीसी बिल्ड के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।